हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल राष्ट्रि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था हॉस्टल पैकिंग लिस्ट को लेके, जिसे आपने ढेर सारा प्यार दिया। तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेक कर लेना उसको भी। तो आज मैं उसी तरह का एक वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत कोई ने कमेंट किया था कि दीदी उसके लिए और एक वीडियो लेके आई है जो कि हम लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो फिर से बनाया जाए। तो आप लोग जानते होंगे कि वो हॉस्टल पैकिंग लिस्ट था वो स्पेशली गर्ल्स के लिए था, कि मतलब गर्ल्स को क्या क्या चीज़ें ले जाना चाहिए। तो आज जो है आज दोनों के लिए ही बोला जाएगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही। जैसे कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये आज जो वीडियो बना रही हूँ कि आजकल जैसे बच्चे लोग बड़े हो गए हैं तो वो लोग एक रूम भी रेंट पे लेते हैं, कि हाँ रूम जैसे लेके और अपने से रहते हैं उसमें। कोई कोई हॉस्टल नहीं रहना पसंद करते हैं, चाहे कुछ काम होता है चाहे कुछ होता है प्रॉब्लम, जिससे वो रूम लेके रहते हैं। तो वही मैंने सोचा कि एक उनके लिए भी वीडियो होना चाहिए। अगर आप हॉस्टल में भी रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है, बस कुछ चीज़ें कटअप करना पड़ेगा आपको। तो चलिए फिर लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले सैनिटरी आइटम्स से। तो फर्स्ट में हम लोग सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं तो एक हैंड वॉश होना चाहिए। यहाँ पर मैंने डेटॉल लिक्विड सोप लिया है। उसके बाद हम लोग ब्रश करते हैं तो एक टूथपेस्ट होना ज़रूरी है। मैंने एक बॉक्स भी यहाँ पर लिया हुआ है जिसका अलग अलग साँचा बना हुआ है, ताकि कुछ भी आप लोग को रखना हो तो इसमें इजीली आप लोग रख सको। तो इसमें आपको एक ब्रश चाहिए, एक चिमटी चाहिए, एक पेस्ट चाहिए, और बाकी कुछ आप लोग को रखना होगा तो आप लोग इसमें रख सकते हैं। तो अगर आप लोग लड़के हैं तो उसके लिए आप लोग को शेविंग किट भी चाहिए। तो शेविंग किट का तो आप लोग को पता है क्या क्या होना चाहिए, तो सारा कुछ आप लोग उसमें डाल के शेविंग किट रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नहाने का समय आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक साबुन शावर जेल यूज़ करते हैं, तो शावर जेल और लूफा ये मस्ट हो जाता है कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे। फिर हम लोग कपड़े धोते ही हैं, अगर लॉन्ड्री या फिर भी अंडर गारमेंट्स को धोना ही पड़ता है तो एक वॉशिंग सोप जरूर चाहिए। सपोज लॉन्ड्री में नहीं दे पाए और आपको कपड़े खुद से धोना पड़ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सरफ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका वो बाथरूम का। फिर हम लोग शैम्पू करते हैं तो शैम्पू यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नहा लेते हैं। नहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक लोशन लगा लेंगे, फिर कपड़े वगैरह पहन के हम लोग परफ्यूम ले लेंगे। परफ्यूम मस्ट होता है, लड़का लड़की दोनों के लिए परफ्यूम मस्ट होता है, तो परफ्यूम आप लोग जरूर से रख लेना। और मैंने यहाँ क्या किया है कि जैसे रूम के हिसाब से मैंने बोला है और लड़कों के हिसाब से मैंने बोला है, तो लड़कों क्या करते हैं कि लड़का लोग रूम तो ज़्यादा साफ़ रख नहीं पाते हैं, चाहे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो एक रूम फ्रेशनर वो लोग के लिए दिए हैं, क्योंकि ये बहुत मस्ट हो जाता है कभी, मतलब क्या बोलते हैं, लड़का तो थोड़ा सा लेजी होते हैं ना साफ़ सफाई के मामले में चाहे कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग ये रूम फ्रेशनर रख सकते हैं। बाथरूम के लिए हम लोग एयर फ्रेशनर रख सकते हैं जो कि 30 डेज आराम से काम चल जाता है, इसलिए ये भी हो गया। फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं अब खाने के आइटम से। जैसे कि हम लोग अब जा रहे हैं कहीं तो इमरजेंसी के लिए कुछ तो चाहिए, हमेशा मेस वगैरह रेडी नहीं रहता है, चाहे कुछ आपको छोटा मोटा भूख लग गया चाहे कुछ हो गया, तो घर का आइटम्स तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने नीमकी और चूड़ा रखा है। फिर हम लोग को एक बर्तन का ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि एक मैंने स्टील का केटल दिया है अगर चाय वगैरह चाहिए हो चाहे कुछ भी चाहिए हो उसके लिए। एक मैंने एप्पल कटर दिया है, जैसे कि मैंने कहा लेजी बॉय, तो उसके लिए एप्पल कटर सीधा रखो, एप्पल काटो और खाओ। 2 स्पून, 1 छुरी, 2 बोल, जैसे मैगी वगैरह खाना है इसीलिए 2 दिया है मैंने इसमें, अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हुए तो उसके लिए, और ग्लास और एक बड़ा सा प्लेट, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी खाना हो आराम से ये लोग खा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ किया है, ये है बर्तन वाला साबुन स्क्रबर। तो मैं खाने के आइटम में कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स तो मस्ट होता है बच्चा लोग के लिए, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, और चुटपुट भूख के लिए भुजिया। मैगी तो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल रहेगा तो आप लोग मैगी आराम से बना सकते हो, तो मैगी तो ऐसे नहीं आप लोग नमक तो डालोगे ही, तो इसके लिए मैंने एक नमक का पूरा डब्बा ही मंगा लिया है, ताकि अगर मैगी बनाना हो और सॉल्ट आप लोग को कम लगे तो आप लोग स्प्रिंकल करके इसको खा सकते हो मैगी को। और भी बाकी कुछ भी आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन बॉयज़ लोग तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाते, तो मैगी उन लोग के लिए बेस्ट है। खाली कंटेनर ज़रूर दें, जैसे कि भुजिया खोले, कुछ भी ऐसा आइटम्स खोले तो आप लोग को खाली कंटेनर रहें।
कप भी दे दिए हैं कि दूध दूध जैसे पीना है, दूध जैसे पीना है, तो उसके लिए कप दे दिए हैं। दूध तो ज़रूर ले, तो दूध के साथ में हम लोग क्या करते हैं बूस्ट करने के लिए बॉर्नविटा लेते हैं, तो बॉर्नविटा ले लें। तो ये तो हो गया हम लोग का खाने पीने का सामान। उसके बाद एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर रूम है आपका तो एक गॉड को रखना तो ज़रूर बनता है। तो यहाँ मैंने गणेश जी का छोटा सा गणेश जी का स्टैचू लिया है जो कि मैं मेरे बेटे को दूंगी। आपको आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि ये सारा सामान मैं क्यों इकट्ठा कर रही हूँ, तो उसके लिए आगे वाला ब्लॉग देखिएगा। तो ये गणेश जी लिए हैं, ये तो मस्ट होता है। और यहाँ मैंने दिया है एक बड़ा सा अगरबत्ती और माचिस। इसे क्या होगा, रूम का फ्रेग्रेंस भी अच्छा रहेगा, मन भी पॉजिटिव रहेगा, और आराम से एक आप जला दो, एक भगवान की पूजा टाइप का भी हो गया, दोनों चीज़ हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका रूम फ्रेश फ्रेश फील होगा एकदम से। और जैसे कि मैंने रूम का बात बोला है तो याद नहीं रहता है ना रूम में कि क्या है, तो यहाँ मैंने कैलेंडर मंगवा लिया है जैसे कि पता चले कि हाँ डेट वगैरह कितना बार आदमी मिस्टेक कर जाता है। मोबाइल तो रहता ही है लेकिन फिर भी कैलेंडर एक जरूरी हो जाता है, अचानक से कुछ भी है तो पता चल जाएगा कि हाँ कैलेंडर रहेगा तो ये ठीक है बोल के। और अलार्म वगैरह तो आप लोग मोबाइल से लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लॉक भी दिया है, ये आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा शादी का ही है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो, ये अभी तक चल रहा है, सोचिए कितना साल हो गया। अगर आप लोग को दिख रहा है तो बताना कमेंट में कि कितना साल हो रहा है मेरा शादी का इस बार। फिर यहाँ पर मैंने लिया है आईना, ये हो गया अंडर गार्मेंट्स, ये हो गया कपड़े। बहुत बच्चे स्पेशली मेरा बेटा हमेशा बेल्ट भूल जाता है, इसीलिए बेल्ट आप लोग भी भूलते होंगे तो बेल्ट जरूर से रख लीजिएगा। एक अम्ब्रेला तो जरूरी है क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आएगा अम्ब्रेला और एक रेनकोट भी इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग चूज कर लेना कि रेनकोट लेना है कि अम्ब्रेला लेना है। फिर मैंने क्या किया है, जैसे कि हम लोग रूम लेंगे तो वो पलंग देंगे कुछ भी देंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि मैट्रेस तो आप लोग को चाहिए। तो यहाँ मैंने मैट्रेस ले लिया है, ये मैट्रेस, दो बेडशीट लिया है, पिलो कवर लिया है, पिल्लो लिया है, क्योंकि ये सब तो चाहिए ही चाहिए। पिलो कवर्स भी आप लोग तीन आप लोग रख लेना, इमरजेंसी के लिए दो है तो काफ़ी है कि अगर एक धोने दे दिए तो एक आप लोग लगा सकते हैं। बाथ टावल, फेस टावल ज़रूर से ले लेना, फेस टावल तो चाहिए ही, हर समय वॉशरूम का उसमें रहना ही चाहिए, अब बाथ टावल नहाने के लिए चाहिए ही। तो ये हो गया, अब हम लोग आते हैं इस पर, तो भूल ही गए थे, जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो ठंडा तेल चाहिए है ना। और ये पाउडर, ठंडा ठंडा पाउडर ये ले लिए हैं, और ये तो मस्ट है, बिना इसके तो आप लोग सो ही नहीं पाओगे, इसीलिए ये तो ज़रूरी है, आप लोग ये ज़रूर से ले लेना। गुड नाइट लिक्विड और मशीन दोनों है इसमें, अगर आप लोग देखोगे तो है ना। तो इससे क्या होगा कि आप लोग रात जो है अच्छा बीतेगा, नींद पूरा होगा, नींद पूरा होगा तो दिन अच्छा गुजरेगा आप लोग का। अब मैं आप लोग को आगे बताना चाहूँगी, सबसे मेन चीज़ जो है एक मेडिसिन बॉक्स। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया है इस तरह का, ले लिया है, उसमें मैंने डाला है कंघी, एक पॉलिश शू पॉलिश करने के लिए ऑब्वियसली, बैंडेड क्योंकि मेरा बेटा को क्रिकेट खेलने का ज़्यादा शौक है तो क्रिकेट के चक्कर में उसको चोट वगैरह आएंगी, तो इसलिए हम मैंने यह बैंडेड ले लिया है। कॉटन, कॉटन क्यों बता रहे हैं, डेटॉल के लिए, डेटॉल तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि कुछ दिखेगा तो नहीं, कहाँ चोट लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डेटॉल के साथ में एक कॉटन, नेल कटर इज मस्ट, ये हमेशा सब कोई भूल जाते हैं, नेल कटर, ईयरबड, ये सब मस्ट हो जाते हैं। एक सर दर्द का मलम जैसे कि मेंटो प्लस बाम, कोई भी बाम, मूव की चेन जरूरी है, किचन आप लोग के लिए क्योंकि आप लोग को रूम लॉक करना रहेगा, और क्या ज़रूरी है किचन में लगाने के लिए, ताला चाबी है कि नहीं, ये सारे मस्ट है। ये सब एक मैंने एक उसमें डाल के रख दिया है ताकि उसको जल्दी से प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इतना तो हो गया, आगे मैं बताती हूँ आप लोग को, जैसे कि आजकल सबके पास मोबाइल होते हैं, रूम में रहेंगे तो मोबाइल तो अलाउड होगा ही, हॉस्टल रहेंगे तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन रूम में तो अलाउड होता है, तो एक चार्जर तो ज़रूरी है। अब आते हैं आगे की तरफ, बाथरूम का तो मैंने बोला ही नहीं, जब रूम में रहेंगे तो सब चू साफ तो अपने से ही करना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं,
अगर आ गया तो आपका लक, लेकिन अगर नहीं आया तो टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश, टॉयलेट साफ करवाने के लिए एक हार्पिक, ये तो मस्ट ही होता है। ये छोटा छोटा चीज़ ही आदमी भूल जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि यही भूल जाता है। और एक बकेट और मग, इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, इतना हो गया, रूम को आप क्या करेंगे? तो रूम को आपको क्या करना है, अगर आप लोग नहीं कर पाए तो दिन भर में कोई टाइम तो आप लोग को झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं एक दिन, हमको पता है बॉयज आर वेरी लेजी, जो कर लिए वो बहुत अच्छा, पता नहीं क्रिश क्या करेगा, उसका भी मैं बता दूंगी बाद में। लेकिन उसके लिए एक झाड़ू और एक डस्ट फैन, क्योंकि सबसे पहले तो घर साफ रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने क्या किया है कि एक रफ कपड़ा भी दे दिया है, अगर हफ्ता में एक दिन पोछा लगा पाए तो आई डोंट थिंक सो, बट फिर भी मैं तो उसको बोलूंगी कि हाँ एक बार पोछा लगाओ। तो यहाँ पोछा वाला कपड़ा, कैरी बैग जरूर दीजिएगा, बाहर के समय में कैरी बैग आप लोग को जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी कुछ लाना हो, कुछ हो, तो आपके घर में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा रूम एकदम पूरा खाली है। तो एक मतलब एक कैरी बैग, मतलब तीन चार कैरी बैग ले लीजिएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। न्यूज़पेपर भी चाहिए, हर चीज़ में चाहिए, क्योंकि घर साफ रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा तो सब कुछ करने का मन करेगा। गर्मी का दिन आ रहा है तो ये चीज़, पानी तो हमेशा दो तीन बॉटल में भर के ही रखिएगा, ताकि पानी हमेशा आप लोग जैसे इधर उधर जाके पीने में नहीं बनेगा। तो जहाँ बैठते हैं, पलंग है, टेबल है, जहाँ पीते हैं, एक एक बॉटल रख देंगे तो जहाँ भी गए आराम से पानी पी लेंगे। और इन केस कभी प्रॉब्लम आ गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो आप लोग को एक लाइट है ना तो चाहिए ही लाइट। अब बात आता है, बाकी सब तो दिखा ही दिया मैंने। अच्छा, बुक्स तो बोलने का जरूरत नहीं है, पढ़ने गए हैं तो बुक्स तो रहेगा ही। हैंगर्स जरूरी हैं, क्या है कि कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस हैं, कुछ भी है तो हैंगिंग तो होना ही चाहिए। कपड़े धोएंगे तो सुखाएंगे कहाँ, तो एक रस्सी, कपड़े का क्लिप ताकि कपड़े उड़े नहीं। और अगर आप लोग मेस से खा रहे हैं और आप लोग को खाना लेके आना है तो क्या चाहिए, टिफिन बॉक्स। ये टिफिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली तीन या चार खंधा वाला, क्योंकि आप लोग सब कुछ अलग अलग करके, अगर आप लोग खा नहीं सकते हो मैच जाके, तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि एक ही जगह आप लोग बैठ ले लिए और बैठ के खा रहे हो, और स्कूल जा रहे हो, डे स्कॉलर हो, तो लंच बॉक्स ले जाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए। आप लोग ये नहीं सोचेगा कि मतलब आगे आप लोग को पता चलते जाएगा कि मैं ये सब इंतज़ाम जो कर रही हूँ क्रिश के लिए कर रही हूँ, क्रिश कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब आप लोग को पता चलते जाएगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो पता चल जाएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ तो आप लोग देख लिए, और ये तो सब भूल ही गए थे। अगर आपके पास ये है तो और भी आसान हो जाता है आप लोग का लाइफ, ग्लू गन, क्योंकि कब इमरजेंसी आ जाए वहाँ पर आप लोग के पास में कोई रहेगा नहीं बताने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी। इसीलिए मैं चाह रही थी छोटा 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 सामान मैं उसको इकट्ठा करके दूँ, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक एक्सटेंशन कॉर्ड भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है स्विच बोर्ड दूर हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए एक्सटेंशन कॉर्ड भी ज़रूरी हो जाता है। तो और तो कुछ छूटा नहीं है आई गेस। मास्क आप लोग को क्या है, आप लोग का एरिया में चल रहा है मास्क अभी कि नहीं? और सैनिटाइजर भी मैं ली हूँ, मतलब सेफ्टी कम्स फर्स्ट ना। अब देखेंगे, अभी कोरोना का समय, अभी वो यहाँ तो उतना नहीं चल रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोग के टाइम पे चल रहा है कि नहीं। इसीलिए मास्क और सैनिटाइजर ये हो गया, बाकी सब कुछ तो मैंने शेयर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि मैंने छोटा से छोटा चीज़ कवर अप किया है, आप लोग बताना कि क्या छूटा, अगर छूटा हो तो। और अगर आपने मेरे पहले वाले नहीं देखा है हॉस्टल पैकिंग लिस्ट, तो उसको भी जाके देख लेना। तो चलिए फिर, कैसा लगा आप लोग, आपको ये मेरा ये हॉस्टल पैकिंग लिस्ट या रूम रेंट पैकिंग लिस्ट बोला जाएगा, क्योंकि झाड़ू वगैरह सब मैंने छोटा से छोटा चीज़ जैसा कि मैंने बोला ध्यान में रखा है। तो आप लोग इसको देखिएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप वो पहले इंसान हो जो मेरे वीडियो को देखते हैं।
लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि हाँ इसके आगे भी बहुत सारा सस्पेंस है, तो मिस मत कीजिएगा। और चलिए फिर इसी के साथ नए ब्लॉग को एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।